स्वागत है आपका यूटीवी न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकोड़ी। स्वागत है आपका यूटीवी न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकोड़ी। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं सेंट्रल बस स्टैंड में। आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने परेशान हैं। ये परेशान होने का जो कारण है भाई, जो CET एग्ज़ाम चली है स्टूडेंट्स के, आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सुबह से जो है, यहाँ पर जो काफ़ी हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं यहाँ पर। आइए उनसे पूछते हैं कि परेशानी किस तरह से उठानी पड़ रही है। माता डी का बस रही इंडी बस इंडी इंडी बस जन नोड़ जरा नूरक ಮೂರು ಮೂರುಕರಿ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಹರಿಕೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಐತ್ರಿ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾ ಕೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಾರ ಅವರು यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पैसेंजर आरोप लगा रहे हैं कि जो CET की जो एग्ज़ाम चली थी स्टूडेंट के, वो दो दिन से एग्ज़ाम चली थी तो आज लास्ट दिन था, तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो KSRTC जो डिपार्टमेंट है, उनको समझना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर बस जो है एक्स्ट्रा बस यहाँ पर भेजना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर जो पैसेंजर का आरोप है कि सुबह से जो है सुबह से 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके काफ़ी सारे जो हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर लोग किस तरह से झगड़ रहे हैं सीट के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं बस को जो है खिड़की से जा रहे हैं, खिड़की से चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पीछे जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पैसेंजर को यहाँ पर जो गाँव के जो लोग हैं, यहाँ पर आसपास के जो गाँव के से लोग आते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। यहाँ के जो KSRTC के जो DC हैं, मैं उनसे यहाँ पर हमारे माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स चलते हैं तो एक्स्ट्रा बस जो है यहाँ पर बंदोबस्त करना चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं और बूढ़े हैं और यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, बच्चों को खिड़कियों पर चढ़ाया जा रहा है, बच्चों पर खिड़की से भेजा जा रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बस स्टैंड में इतनी भीड़ लगी है, जैसा कि मेला लगता है कहीं पर, देखा जाता है कि कहीं पर जो भी मेला लगता है वहाँ पर भीड़ जमा होती है। इतनी काफ़ी सारे संख्या में, हज़ारों में यहाँ पर लोग, तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। और सुबह से उनका आरोप है कि सुबह से बैठे हैं, कोई 9 बजे से बैठा है, कोई 8 बजे से बैठा है। तो बस जो है, जो बस एंट्रेंस में जो बस बस स्टैंड में आती है तो बाहर ही बस जो है फुल हो रही है। वहाँ पर उनका आरोप है कि जो बाहर जो एंगेस्ट जो लोग हैं, जो बाहर जाके वहाँ पर बैठ रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे जो लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे YouTube के माध्यम से, जो भी यहाँ पर जो समस्या है, जल्द से जल्द इनको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा बस लेकर यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए, और इनको जो 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 भी ये गांव जा रहे हैं एक्स्ट्रा बसेस भेजे जाए और जल्द से जल्द यहाँ की इनकी समस्या खत्म हो। यागरी सर ऐन बस ऐन शॉर्टेज ऐसी ऐन ऐत बस इवत हिंग रश ऐतरी बस स्टैंडग सीट एक्साम सीट एक्साम ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಬಸ್? ಇದು ಸಂಗ್ಲಿ ಸಿನಿರಿ ಈಗ ಸಿನಿಗೆ ಹೋಗಾಕತ್ತೀವನ್ರಿ? ಈಗ ಸಂಗ್ಲಿದ ಬಂದೈತ್ರಿ? ಸಂಗ್ಲಿ ಬಂದ ಪೂಜೆ 5 बजे से तालीकोट को बस देख रहे हैं, अभी एक बस भी नहीं जा रहा है, ट्रैफिक हो चुके हैं, 5 गाड़ी का ट्रैफिक है। अब अभी यहाँ पूछने के बाद इंक्वायरी ऑफिस में क्या बात बोल रहे? साहब को बोलो, कर को बोल रहे हैं। अबे तुम कितने बजे से इधर आए? 5 बजे से। 5 बजे से तुम इधर ही? हाँ इधर ही। फैमिली के साथ में लोका है? है। परेशानी उठानी पड़ रही तुम्हारे? हाँ परेशान उठाना पड़ रहा है। अभी क्या बोले साहब? गाड़ी आते कर को बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर जो है यात्री परेशान है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर चलो सब सर सर जो ये प्रॉब्लम है इधर यदक सल आगे स्वल्प मतड्री ಸರ್ ಸಾಹೇಬ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಲ ಐತ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರಿ ಮುಂಜಾನೆ 9:00 to 8:00 ಕೂತೈತ್ರಿ, ಬಸ್ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಫುಲ್ ಬರಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿಸಿಂದ ಹೋಗಾಕತ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆದೈತ್ರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಸಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸೀಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿಲ್ರಿ? ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಬಂದದ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನೋಡಿ ಕೈದಾದ 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಬಸ್ಸಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಂದರ್ಬೇಕು? ಅದು 50 to 55 ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 150 to 100 ಮೇಲೆ ಮಂದಿ ಕುಂದ್ರಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಿದಂದ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಆಗಿದಂದ್ರೆ, ಏನು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದಂದ್ರೆ, ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೀಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು, 40 ಗಾಡಿ ಸೀಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕಿಸಿಂದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಕಳ್ಸಾತೀವ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಾಡಿ ಕಳ್ಸಾತೀವಿ, ಬರಾತೇವೆ, ಹಂಗೆ ಹೊಂಟಾವು, ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಭಾಳ ಮಂದಿದ ಆರೋಪ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಗೆ ಹೇಳಕಿಸಿಂದ ಏನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 100 to 101% ಇದು. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ರೀ ಸರ್? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐತ್ರಿ. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए.